यूपी बिहार में मनाया जाने वाला छठ महापर्व नीमच में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नीमच के ग्वालटोली तालाब, भूतेश्वर महादेव मंदिर, कीलेश्वर महादेव मंदिर, शिव घाट, सीआरपीएफ की नाग बावड़ी सहित अनेक स्थानों पर छठ महापूजन के लिए यूपी बिहार से निवासरत नागरिक परिवार सहित पहुंचे और छठ महापूजन का आयोजन किया। इस अवसर पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ देकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ग्वालटोली तालाब पर भैयाजी सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी यूपी बिहार के नागरिकों के लिए छठ पूजा का आयोजन किया। विभिन्न प्रकार के फलों और मिष्ठान के साथ महिलाएं तालाब में उतरी और डूबते सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना की। इसी तरह भूतेश्वर महादेव मंदिर पर भी यूपी बिहार से निवासरत नागरिक पहुंचे और क्षमा पूजन के आयोजन में हिस्सा लिया। छठ पूजा का आयोजन पूर्वी यूपी और बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह श्रद्धा भक्ति का बड़ा त्योहार है। नीमच में भी यह त्योहार धूमधाम से मनाया गया। भैया यहाँ है ना, वो छठ पूजा का आयोजन हम लोग करते हैं, साल का त्योहार है हमारा। और यूपी और बिहार के जो भाई लोग रहते हैं, यहाँ निवासरत हैं अपने नीमच के अंदर, उन सभी भाइयों को मैं छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ क्या होता है कि आज के दिन अभी शाम को डूबते सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं, इसके साथ ही कल सुबह जो होगा वो उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही ये पूजा समाप्त होती है। इसी को छठ महापर्व कहा जाता है। कितने दिन होती है, क्या महत्व रहता है? चार दिवसीय पूजा होती है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। श्रद्धा बहुत है और ये छठ पूजा का त्यौहार है। ये पूरा सामूहिक आयोजन ही होता है और इसको करने के लिए भैया सेवा समिति हर साल की तरह इस साल भी तत्पर है और उसका आयोजन भैया सेवा समिति करती है। और आयोजन तो जैसे ये देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है आपके सामने ही है। क्या बोलते हैं माता जी का पूजा को, जैसे अभी हैं जो तालाब के अंदर उतरती हैं, फिर वो डूबते सूरज को लेकर के अर्घ देती हैं। उसके बाद जब सूरज डूब जाते हैं तो फिर ये आज का जो कार्यक्रम होता है वहीं समाप्त होता है। फिर कल सुबह ये 4 बजे से अपना कार्यक्रम चालू होगा और उगते सूरज के साथ ही अर्घ के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है। प्राचीन काल से ये व्रत चला आ रहा है जो इसमें मुख्यतः सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें ढलते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, उसके अगले दिन उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। 3 दिन का ये व्रत होता है और प्राचीन काल से ये व्रत चला आ रहा है और ज़्यादातर ये पूर्वांचल में बिहार, पश्चिम बंगाल इस तरफ ज़्यादा ये प्रचलित है। 3 दिवसीय पूजा इसका कल जो पहला दिन जो कल था वो पहला दिन था, उसके अंदर पूरे दिन व्रत रखा जाता है और निर्जला व्रत रहता है। ये दूसरे दिन भी व्रत रहता है और आज दूसरे दिन आज शाम को अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। इसके बाद कल जो तीसरा दिन रहेगा उस दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ देते हुए विभिन्न तरह के फल और जो प्रसादी है इससे अर्घ देते हुए इसका समापन होता है।